जल्दी जल्दी खाओगे लोगों सारा खाना लूट लेता हूँ वरना कोई देख लेगा तो वो सोचेगा मैं गरीब हूँ। अबे यार ये कब से मेरे को देखे जा रहे, दोनों गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं, लोगों इनको थोड़ा खाना देता हूँ, उनको लगेगा कि फिर ये मेरी किसी को चुगली नहीं करेंगे। लो खाना लो भाई, फेंक रहा हूँ सारा खाना, फेंक रहा हूँ, ये लो ले लो ले लो। खाना मत फेंको साहब, इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब, खाना मत फेंको साहब, लाओ साहब मुझे। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, सबका स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। आज हम बहुत ज़्यादा मजे करने वाले हैं। अभी मैं थोड़े दिनों पहले ही मेरी एक लॉटरी लगी है, मैंने एक लॉटरी की टिकट ली थी, नहीं एक नहीं दो ली थी, उसमें से एक लग चुकी है और मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। आपको दिखाता हूँ, ये देखो डायमंड ही डायमंड। अब आप सोच रहे हो कि ये एक एक ब्लॉक क्या पड़ा है, तो ये पहले सब 64 थे तो मैंने सब खर्च कर दिए एकदम मस्त। देखो नए नए कपड़े लिए हैं, वैसे पुराने हैं पर बोलना तो पड़ता है ना, ऐसे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने घर लिया, ये देखो कितना बढ़िया घर लिया है, पहले मैं उधर गांव में रहता था, अब मैंने सीधा ये इतना बड़ा सा घर ले लिया है। देखो कितना बड़ा घर है, सारे गांव वाले इधर ही भटकते रहते हैं मेरे घर के आसपास, सारे नज़रें लगाते हैं, निकलो ऐसे चलो। ये देखो इतने सारे भी गाँव वाले खड़े हैं, आपको पूरा घर का दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पे मैंने एक रोड भी बनाया है मस्त सा गाड़ी के लिए, पर मेरी गाड़ी नहीं है अभी फिलहाल। तो ये देखो मैंने अभी यहाँ पे एक फेक गाड़ी भी बनवाई है, ये देखो एक बस जैसी बनवाई है, ऐसी बेकार सी एकदम मैंने ऐसे ही बनवा ली, थोड़ी अच्छी लगी थी उस टाइम पर अभी अच्छी नहीं लग रही, इसको हटवाएंगे जल्दी से। और अभी आपको पूरा इंटीरियर अंदर दिखा देता हूँ इंटीरियर इसका, अब जल्दी से चलते हैं अंदर, आपको पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ। और आज हम खरीदने वाले हैं अपने लिए कार, क्योंकि हमारे पास फेक कार है ना, असली कार नहीं है, तो इसलिए आज हम असली वाली कार खरीदने वाले हैं। ये हमारा घुसते डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे एक बच्चे के लिए हमने छोटी सी चेयर लगा रखी थी, और ये यहाँ पे पता नहीं क्या है। एक तो मैंने इतना पैसा है ना मेरे पास, मैं सोच पूछा भी है मैंने ये क्या बनाया है, सीधा बस उनको पैसा दिया, मुँह पर मारा और सीधा अपने घर ले लिया। ये देखो ये पता नहीं क्या है, मैं इधर कुछ ना कुछ तो होता है, ये पता नहीं क्या दे रखा है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से जाकर कमेंट में मुझे बता देना। और यहाँ पर भी एक और डाइनिंग रूम है एकदम बढ़िया सा, यहाँ पर किचन भी है, और ये फिर बाहर आ गया। अच्छा निकले ऐसे, ये तो अंदर घुस जाते, जाओ ना यार तुम्हारा घर तो नहीं, ये मेरा घर है, भागो यहाँ से। अभी आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये मस्त एकदम यहाँ पे सोफा वोफा है, ये फिर एक और आया, चल रहा निकल यहाँ से। अबे यार यहाँ पे भी एक बेडरूम है मस्त, यहाँ पे बाथरूम है एकदम बढ़िया सा। रू जना कहाँ गया, अबे कहाँ गया, यहाँ पे छोटी सी चेयर भी बैठने के लिए, और यहाँ पे भी एक बेडरूम है। अरे तू इधर आया, चल रुक जा साले, मर गया मर गया। यहाँ पे बेडरूम है, चेस्ट वेस्ट सब है, यहाँ पे पता नहीं कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ तो है, वही मैंने पूछा नहीं क्योंकि पैसा बहुत है अपने पास। और यहाँ पे ये बढ़िया सा रूम, इधर लाइटें जलती है, देखो इधर उसको मारता हूँ तो ये रेडस्टोन जलता है, पता नहीं क्यों जलता है, समझ नहीं आता। ये मेरे को ये चेस्ट पड़ी है यहाँ पे, ये भी खाली है पूरी, अभी मैंने कुछ भरा नहीं है। यहाँ पे अपना बाथरूम है, यहाँ पे अपना बाथ टब भी है एकदम बढ़िया सा, देखो सब बना हुआ है। एक तो सबके सब विलेजर मेरे घर में घुस गए, एक तो परेशान ही कर दिया। अरे तू हटना यार, अबे हटे यार, क्या तुम्हारी शादी में आए हो कि, निकलो यहाँ से, चलो हटो यार, चलो हटो, चलो चलो, अरे फिर मर जा रे। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये देखो अभी ऐसा ऐसे छोटा छोटा लग रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना, मज़ा नहीं आया ज़्यादा देख के। अब देखो एक मैजिक दिखाता हूँ, 3, 2, 1। तो क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है, देखो भाई पूरा का पूरा चेंज हो गया, मैंने लगा दिया ग्राफिक्स, देखो क्या शानदार लग रहा है, ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती सारी चीज़ें। और आपको बाहर भी दिखा देता हूँ, स्टोन कितने बढ़िया लग रहे हैं, ग्रास कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम सब चीज़ें मस्त मस्त हो गई है। पर मेरे ये कार सबसे बेकार बिल्कुल, ये देखो कि ये भी कितनी बढ़िया बढ़िया लग रही है, ये कांच ही बिल्कुल असली जैसे हो गई। ये फिर अंदर घुसा है, इसको बताता हूँ बाहर कहाँ गया, इधर से घुसता हूँ साले कहाँ पे। अभी तो क्यों क्या है, इधर से निकलना, बाहर निकल घर से, तो सबके सभी अंदर जाते हैं, लगता है आयरन के डोर लगाने पड़ेंगे। चलो क्या है, दिक्कत है तेरे को, दिक्कत है, निकल यहाँ से, चल निकल। चलो ये आप जल्दी से अपन चेंज करते हैं अपनी कार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी कार है, चलती तो है नहीं है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो आज अभी हम जाएंगे कार खरीदने, पहले सबको तोड़ देता हूँ। अरे अभी मेरा पिकैक्स नहीं होना, तोड़ देता, चलो कोई बात नहीं, बाद में तोड़ेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जो अपने रोड भी बनाया मैंने उस पर भी चलाऊंगा, तो अभी मैं किसके साथ जाऊँ, चलो तू चल रहा है, ये तेज़ चलता है क्या, तू तेज़ चल। जल्दी से पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले नहीं, अबे भाई कितनी धीरे चल रहा है ये, अबे बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है, तू उतर रहा, छोड़ मैं घोड़े को लेके जाऊँगा, घोड़ा मेरे साथ चलेगा, घोड़ा हर बार चलता है, घोड़े चलेगा ना तू मेरे साथ, मेरे को पता है तू चलेगा नहीं। एक तो भाई यार ये भी बेइज्जती कर रहा है यार, छोड़ मैं अकेला ही जा रहा हूँ यार, जाओ यार तुम, मैं इनकी तो, तुम जाओ यार मेरे घर की यहाँ से, तुम्हारे विलेज में जाओ ना, शादी हो रही है कि तुम्हारे, निकलो ऐसे सारे। एक तो किसी कोई भी काम दाम करता नहीं है, सारे सारे नल्ले ऐसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी अभी रोड बन रही है, वहाँ तक मैंने इनको पैसे दे दिए थे, बोला था रोड बनाऊँ और इस मुर्गी को मारता हूँ, ये चल निकल। अभी आपको दिखाता हूँ कि प्रो जैसे मुर्गी को कैसे मारता है, और ये बूम, अरे थोड़ी सी बच गई, अभी अपनी बचेगी। और ये अबे यार ये क्या हो रहा है, अबे ये क्या हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही, अबे हट, अरे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वो कभी कभी हो जाता है, कट कर देना। तो अभी हम आ चुके हैं, और शोरूम का नाम है कार ले लो, क्योंकि हम कार लेना है इसलिए इसका नाम है कार ले लो। तो अब चलते हैं फटाफट, क्या बढ़िया शोरूम लग रहा है, अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, तो चलते हैं अंदर। और ये क्या है, ये क्या है, इसका शोरूम का ऊपर का हिस्सा कहाँ है, अबे ओ मैनेजर साहब ये शोरूम बना हुआ नहीं है क्या। अरे नहीं साहब, पूरा शोरूम बना हुआ है, हमने कुछ अलग करने की कोशिश करी है इसलिए ऐसा करा है। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ ऐसा ही है। ये क्या है ये यहाँ पे,
अरे यार वो ऐसे ही है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। अबे दिक्कत तो क्या नहीं है, क्या बेकार शोरूम बना रखा है, पर कोई बात नहीं। अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूल 20 डायमंड, बस 20 डायमंड, पर सबके लिए इतना फ्यूल लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, पहले देखते हैं फ्री की गाड़ी है, फ्री की गाड़ी में क्या मिलता है भाई, ये तो चल भी नहीं रही है, ओए चलती नहीं है क्या ये। अरे साहब पेट्रोल तो डालो। अच्छा पेट्रोल डालना पड़ेगा क्या, अरे आप पहले खरीद लो फिर पेट्रोल डाल लेना। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है देखता हूँ, कौन सी लूँ कौन सी लूँ, यार समझ नहीं आ रहा यार। तो गाइज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कौन सी कार लेनी है और कौन सी बाइक लेनी है, तो मैंने सोचा ये बाइक और वो पीछे जो भी खड़ी है ये जो भी है, और ये किए मैं और सोच रहा हूँ कि क्या लूँ और एक और, यार समझ नहीं आ रहा मेरे को एक और, तो मैं सोच रहा हूँ ये मिनी बस ले लेते हैं। हाँ मिनी बस सही रहेगी, ये 3 हो गई, 2 बाइक की जैसी हो गई, एक पता नहीं क्या चीज़ है, और ये एक मिनी बस हो गई अपने पास, चलो सही है। ओ भाई इनके पास प्लेन भी है, क्या बात है यार बहुत शानदार, इसने पहले बताया नहीं यार मेरे को। ए भाई कितने का ये? अरे साहब आप खुद ही देख लो। हाँ देख लेता हूँ अभी, दिक्कत क्या है इसमें, ये क्या लिखा हुआ है, तेरी औकात के बाहर है, क्या इसने मेरे को बोला, अबे तूने मेरे लिए लिखा ही है। ए साहब आपकी औकात के बारे में क्या करूँ, अबे मैं कौन हूँ तेरे को पता है, मैं अभी अभी लॉटरी जीता हूँ। ए लॉटरी कौन सी जीतोगे आप वही पागल लग रहे हो मेरे को तो, आपके कपड़े देखो कितने गंदे। अभी तेरे को बताता हूँ यहाँ पे क्या है साले, अभी तो रुक, अभी तेरे को बताता हूँ। ए साहब ऐसे मत करो। अभी तेरे को बताता हूँ साली, ये ले अब तू मरेगा अब तो। ए साहब मेरे को छोड़ दो, एक साहब मेरे को छोड़ दो। अभी छोड़ता हूँ तेरे को, रुक अभी अभी 12 बजा दूँ तेरी। अभी देख ये ना मेरे निकाले लॉग्स, इनको बना लेता हूँ प्लैंक्स को, और देख इसको ब्लॉक कर दूंगा पूरा, इसको बंद ही कर दूंगा, सांस नहीं आएगी। ए साहब ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा साहब। अबे अब देखो मरना ही होगा। ए साहब अगर आप मेरे को एक डायमंड का ब्लॉक दोगे और मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपके लिए सुबह कर दूंगा। क्या सुबह कर देगा, तेरे को मैजिक आता है क्या? ए साहब कर दूंगा ना, बोला ना दियो ना। अभी देता हूँ, चल ज्यादा मत बोल फालतू, मैं भी मार दूंगा तेरे को। ए साहब सॉरी सॉरी। हाँ ले ले जल्दी ले, चल एक ब्लॉक ले ये डायमंड का तेरा, ये ले। ए साहब इधर मत गिराओ, उधर डालो पेमेंट में। पेमेंट में ले, इधर ब्लॉक तो दे वापस। ए साहब ले लो ना अपने आप। अभी आ गया, ले ले चल ज़्यादा मत बोल, ये मैंने ब्लॉक ले लिया यहाँ पे, और देखो वापस से बंद करूँगा, देखो बाहर तो नहीं आने दूंगा, और यहाँ पे डालना ये पेमेंट लिखा हुआ। अच्छा पर ये करेगा कैसे संबंध, चलो देखते हैं एक बार। ये यहाँ पे डालते हैं अपने डायमंड का ब्लॉक, अरे ये क्या है, ये डाल दिया मैंने डायमंड का ब्लॉक, अब देखते हैं क्या होता है। ओ भाई सही में सुबह हो गई यहाँ पे तो, ये ले तेरे लिए वीट, भाई कितनी सारी वीट। हे साहब मेरे को वीट नहीं चाहिए, डायमंड चाहिए डायमंड। अरे कैरेट नहीं चाहिए, गाजर खा के क्या करूँ, डायमंड तो डायमंड। अरे हाँ दे रहा हूँ ना, सबर तो कर पहले, कुछ खरीदने दे, और सारी खा भी गया भाई, मना करके सारी ले गया, रुक तेरा अंडा मार दो, ये ले साले अंडा खा। अरे साहब ऐसे मत करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा, तूने ये मेरे लिए लिखा था ना, अब तेरी 12 बजा दो, रुक अब देख तेरा पूरा सही में शोरूम खरीद के दिखाऊंगा। ये मेरे डायमंड्स निकले, इनको बना लेता हूँ डायमंड्स, अब देखो। ए साहब आपके पास तो बहुत पैसा है, पर ये देखो क्या किया आपने। अबे ये यहीं पे गिर गए डायमंड, अरे यार वापस उठाने पड़ेंगे, फालतू स्टाइल स्टाइल में उड़ा तो रहा था मैं, सारे एक भी नहीं गए, धीरे धीरे करके करने पड़ेंगे। अरे यार तो अभी मैंने उसको सारी पेमेंट दी और मैंने फ्यूल भी ले लिया है। अब उसने बोला है मैं आपको शोरूम नहीं दे सकता, आप सारी गाड़ियां ले लो, तो अपनी सारी गाड़ियां हो चुकी है, अपने घर के पास ही है, तो सारी गाड़ियां अपन उधर लेके चल लेंगे, बैठते हैं। मैंने पेट्रोल भर दिया और भाई चलने लग गई, भाई कितनी बढ़िया चल रही है, इसको चलाते हैं फटाफट से, मस्त लेके जाते हैं। पर मैं बाहर कैसे जाऊँगा, यहाँ पे तो बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है, एक यहाँ से बाहर कैसे लेके जानी गाड़ी को। ए साहब वो तो हमने रास्ता बनाया नहीं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था कि गाड़ी आप ले सकते हो, क्योंकि हमको लगा यहाँ पे सिर्फ गरीब गरीब रहते हैं। अभी देखो पेट्रोल पिला के ही रहूँगा मैं साले, एक तो ये बोट है, एक बोट भी अपनी हो चुकी है, बोट भी बढ़िया थी वैसे, चलो अपनी हो चुकी है, पूरा का पूरा शोरूम भी अपन ने ले लिया है, तो मैं जाऊँ कहाँ से यार। एक मिनट प्लैंग दे मेरे को, नहीं एक आइडिया मेरे पास, अपने पास डायमंड है, अपने पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये फ्यूल हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर अपन बना देते हैं प्लेटफॉर्म बाहर जाने का, यहाँ से सीधा खुदाते हुए जाएंगे यहाँ से बाहर, तो चलते हैं हम सीधा बाहर। और ये हम आ गए बाहर, ओ भाई साहब क्या बढ़िया चल रही है ये कार तो, और ये थोड़े से डायमंड की वर्षा कर देते हैं लोगों के लिए, ये ले लो रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल नहीं वैसे बहुत महंगा माल है, फिर भी ले लो सस्ते का माल, पस्ते में डायमंड के डायमंड उड़ाता हूँ यार, नहीं चलो ब्लॉक ही उड़ाते हैं, अपने पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, ब्लॉक उड़ाएंगे अपन डायमंड के। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं बाइक, और ये बाइक भी बढ़िया चल रही है, दिखने में बहुत बढ़िया चल रही है, पर धीरे चल रही है, वो जब पहले चलाई ना अपन ने वो मस्त थी, मैं वहाँ पे छोड़ दी वो गाड़ी, तो अभी देखो ये अच्छी चल रही है पर ज़्यादा तेज़ नहीं है, तेज होती ना तो मज़ा आता, बाइक है तो तेज होना ही चाहिए था, पर कोई बात नहीं चलो अपन तो चलते हैं। इसमें मैंने पेट्रोल डाल दिया था, अब मेरे को वापस अंदर लेके जाना है इसको, कोई एक आइडिया है मेरे पास, ये 2 डायमंड के ब्लॉक लगाए, पता है तुमको हमारी अमीरी तो हम ऐसे ही करते हैं भाई, क्या करें। तो अब घुमाते हैं अपनी बाइक को और सीधा खुदाते हुए चलते हैं अंदर गैराज के, ये अपना गैराज ही हो गया एक तरह से, और यहाँ से खुदाते हैं, और ये से खुदा लिया और मेरे पास 19 डायमंड भी आ गए।
तो गाइस अब हमारी बारी है प्लेन उड़ाने की। तो और हमने प्लेन उड़ा लिया भाई, क्या इतना से में उड़ गया भाई, बढ़िया प्लेन है ये तो। कितना ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। ओ भाई साहब कितना ऊपर चला गया है ये प्लेन, बस नीचे गिरते ऐसे नहीं पता चले क्रैश हो जाए और मैं मरी जाऊँ। और ये जा रहा है आराम से, मैंने वापस से इसको कर लिया सेफ। और मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना है घर से, क्योंकि मेरे को घर का रास्ता नहीं पता है। फिर मैं पिछली बार भी भूल गया था, पता नहीं बहुत मुश्किल से आया था, एक अंकल मिल गए थे वो तो उनको मेरे को लेके आ गए थे। तो अभी मैं ये उड़ा रहा हूँ, यहाँ से भी डायमंड की वर्षा करेंगे अपन एकदम बढ़िया से। और मैं नीचे आ गया हूँ, वापस थोड़ा टेक ऑफ करते हैं और यहाँ पर डायमंड उड़ाएंगे मस्त। ये लो डायमंड, ले लो डायमंड्स फ्री में, ले लो फ्री में बिल्कुल, एकदम घर के ऊपर से उड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लेन तो भाई बहुत ही बढ़िया, सारी चीज़ें उड़ा दी मैंने, पेट्रोल भी उड़ा दिया। और मेरा पेट्रोल देखो भाई कितनी तेज़ जाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, अपना पैसा इतना है, अपन पेट्रोल की बोरी क्या खरीदेंगे, ये पूरा का दुकान खरीद लिया। अरे अरे गिर गया भाई, वो भाई मेरे, मेरे को लगा मैं कुछ होएगा ही नहीं, मेरा पैराशूट होगा, पर पैराशूट तो था ही नहीं इसके अंदर प्लेन के अंदर। पर कोई बात नहीं, अपन को ज़्यादा मरे नहीं, अच्छा है। तो वापस से उड़ाते हैं अपने प्लेन को, और ये वापस उड़ा लिया है हमने प्लेन को। अब ऊपर जाके सीधा जा करेंगे इसको, देखते हैं क्रैश होता है कि नहीं। और ये जा रहा है नीचे, जा रहा है। और तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल बने दोस्त सब्सक्राइब कर देना। अभी हम और भी व्हीकल्स सारे ट्राई करेंगे, तो पार्ट टू अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जाके बता देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।